हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक गेस्ट लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं संविधियों का निर्वचन के एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट फोर। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को अपलोड कर चुके हैं, उसे आप प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 तक हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन सी, ये गलती से बी लिख गया है, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों ही सही उत्तर है। यानी संसद द्वारा भी और विधानमंडलों के द्वारा भी विधि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। सेंटेंटिया लेजिस का अर्थ है? ऑप्शन ए संदिग्ध शब्दों का अर्थ उनसे संबद्ध शब्दों को ग्रहण करना, ऑप्शन बी प्रत्येक शब्द को प्रत्येक का अर्थ प्रतिपादन करना, ऑप्शन सी विधि के तात्पर्य को ढूंढ निकालने की कोशिश करना, ऑप्शन डी विधि के शब्दों का सम्मान करना। तो इसका सही उत्तर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधि के तात्पर्य को ढूंढ निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ग्रहण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स निम्न विधि के निर्वचन में प्रासंगिक है? ऑप्शन ए दीवानी विधि, ऑप्शन बी आपराधिक विधि, ऑप्शन सी संवैधानिक विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 93। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। राजस्व एकत्रित करना किस कानून का उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए कर कानून, ऑप्शन बी दंड कानून, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर कानून। क्वेश्चन नंबर 95। विधानमंडल संसद द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति प्रत्यायोजित करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए विधायिका के पास तकनीकी ज्ञान की कमी, ऑप्शन बी विधि की प्रायोगिता का परीक्षण, ऑप्शन सी विधायिका के पास समय की कमी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96। साहचर्य से अर्थ जानना कौन से सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन ए स्टैट्यूट्स इन परिमेटेरिया, ऑप्शन बी एजेजम जेनेरिस, ऑप्शन सी जनरेलिया स्पेसिलेबस नॉन डेरोजेंट, ऑप्शन डी नोसिटर ए सोसिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नोसिटर ए सोसिस। क्वेश्चन नंबर 97। निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन होते हैं? ऑप्शन ए संविधि के शरीर से परे अन्य सहायक, ऑप्शन बी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का निजी सहायक, ऑप्शन सी संविधि के भीतर की विषय वस्तु, ऑप्शन डी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी एवं अधिवक्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, बताइए जल्दी अगर ऐसा आपको इसका पता है उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 98 पिछले पेपर में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें आ चुके हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संविधि के भीतर की विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 98। निर्वचन के सहयोगी कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए संसद और विधानसभा, ऑप्शन बी न्यायालय और अधिवक्ता, ऑप्शन सी आंतरिक सहयोगी और बाह्य सहयोगी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंतरिक सहयोगी और बाह्य सहयोगी।
क्वेश्चन नंबर 99, कानून में प्रयुक्त शब्दों को कुछ रूपांतरित कर सही अर्थ जाना जाता है, इसे कहा जाता है ऑप्शन ए व्याकरणिक नियम, ऑप्शन बी स्वर्णिम नियम, ऑप्शन सी साहचर्य ज्ञाते, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, बताइए जल्दी अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्णिम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विधि या विधान को किसके द्वारा निर्वचित किया जाता है? ऑप्शन ए विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी न्यायालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, व्यवसाय की परिभाषा में निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी वृत्ति, ऑप्शन सी अधिभोग, ऑप्शन डी समव्यवहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिभोग। क्वेश्चन नंबर 102, जिला जज का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के नियंत्रण में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 235, ऑप्शन बी अनुच्छेद 236, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 235। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसका उदार अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए असामर्थ्यकारी संविधियां, ऑप्शन बी सामर्थ्यकारी संविधियां, ऑप्शन सी उपचारी संविधियां, ऑप्शन डी हितकारी संविधियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असामर्थ्यकारी संविधियां। क्वेश्चन नंबर 104, किसी संविधि का निर्वचन निम्न के अनुसार किया जाता है? ऑप्शन ए विधायिका की इच्छा अनुसार, ऑप्शन बी लोक इच्छा अनुसार, ऑप्शन सी न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधायिका की इच्छा अनुसार। क्वेश्चन नंबर 105, कानून विनिर्मित करने का कर्तव्य है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी राज्यपाल का, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का, ऑप्शन डी संसद का। तो किसका कर्तव्य है कानून विनिर्मित करने का? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा, बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद का। क्वेश्चन नंबर 106, लोक चेतना का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू का, ऑप्शन बी ह्यूगो का, ऑप्शन सी एकन का, ऑप्शन डी सेविग्नी का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेविग्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, न्याय प्राप्ति को सुलभ बनाने वाली एवं उद्देश्यों को अग्रसर करने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने वाली विधि को कहते हैं क्या? ऑप्शन ए संहिताकारी विधि, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक विधि, ऑप्शन सी समेकनकारी विधि, ऑप्शन डी संशोधनकारी विधि। तो कौन सी विधि कहते हैं? यदि आपको इसका उत्तर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निर्वचन के क्षेत्र में विदेशी निर्णय की सहायता कब ली जा सकती है? ऑप्शन ए जब विदेशी निर्णय भारत के वर्तमान कानून के विरुद्ध न हो, ऑप्शन बी जब विदेशी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो, ऑप्शन सी जब विदेश का न्याय प्रशासन और विधिक व्यवस्था भारत के समरूप हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जब विदेशी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, कौन से कानून को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रक्रिया कानून, ऑप्शन बी परिसीमा कानून, ऑप्शन सी साक्ष्य कानून, ऑप्शन डी दांडिक और कर कानून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दांडिक और कर कानून। क्वेश्चन नंबर 110, संविधि किसे कहते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यायोजित विधायन, ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय, ऑप्शन सी रूढ़िजन्य अलिखित विधि, ऑप्शन डी विधायिका द्वारा निर्मित लिखित कानून। तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपने इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो इसका आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विधायिका द्वारा निर्मित लिखित कानून। क्वेश्चन नंबर 111, अधिनियम को अस्तित्व में बने रहने की अवधि को कहते हैं? ऑप्शन ए अधिनियम का विस्तार, ऑप्शन बी अधिनियम का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी अधिनियम की कालावधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिनियम का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 112, अधिनियम किस सीमा तक, किस क्षेत्र में, किन वर्गों पर लागू होगा? अधिनियम के अधिनियमित खंड में वर्णित रहता है और इसको कहते हैं क्या? ऑप्शन ए अधिनियम का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी अधिनियम का विस्तार, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिनियम का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 113, किसी निरसित अधिनियम अथवा प्रावधान को पुनः लागू करने को कहते हैं? ऑप्शन ए अधिनियम का निरसन, ऑप्शन बी अधिनियम का विस्तार, ऑप्शन सी अधिनियम का पुनर्जीवन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिनियम का पुनर्जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, बम्बई राज्य वर्सेस अली गुलशन का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए एजुजडेम जेनेरिस, ऑप्शन बी स्वर्णिम नियम, ऑप्शन सी नोसिटर ए सोसायस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एजुजडेम जेनेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, उद्देश्यों के आधार पर अधिनियमों का वर्गीकरण, ऑप्शन ए असंभव है, ऑप्शन बी संभव है, ऑप्शन सी उचित नहीं, ऑप्शन डी सबसे अच्छा और उचित वर्गीकरण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। उद्देश्यों के आधार पर अधिनियमों का वर्गीकरण क्या है? असंभव है, संभव है, उचित नहीं है, या फिर सबसे अच्छा और उचित वर्गीकरण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सबसे अच्छा और उचित वर्गीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 116, सामान्य रूप से एक अधिनियम उस दिन लागू माना जाएगा? ऑप्शन ए जिस दिन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, ऑप्शन बी जिस दिन अधिनियम संसद अथवा विधानसभा के द्वारा पारित होता है, ऑप्शन सी जिस उसके लागू होने की अधिसूचना जारी होती है, यानी जिस दिन उसके लागू होने की सूचना जारी होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिस दिन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 117, अधिनियम के निर्वचन का उद्देश्य किसकी इच्छा जानना है? ऑप्शन ए न्यायाधीश की, ऑप्शन बी सदन की, ऑप्शन सी जनता की, ऑप्शन डी सत्ता की। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन, बताइए जल्दी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सदन की। क्वेश्चन नंबर 118, संविधान का निर्वचन, ऑप्शन ए कार्यपालिका के मत के अनुसार होना चाहिए, ऑप्शन बी विधायिका के मत के अनुसार होना चाहिए,
ऑप्शन सी न्यायालय के मत के अनुसार होना चाहिए, ऑप्शन डी संविधान की आत्मा के आधार पर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान की आत्मा के आधार पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 वे अधिनियम जो करारोपण का प्रावधान रखते हैं। ऑप्शन ए शुल्क एकत्रण अधिनियम कहलाते हैं, ऑप्शन बी कर अधिनियम कहलाते हैं, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए जल्दी कि वे अधिनियम जो करारोपण का प्रावधान रखते हैं क्या कहलाते हैं, शुल्क एकत्रण अधिनियम कहलाते हैं या फिर कर अधिनियम कहलाते हैं या फिर ए तथा बी दोनों या फिर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जल्दी बताइए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर अधिनियम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 दोहरे दंड से संरक्षण का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) में, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। दोहरे दंड से संरक्षण का उपबंध कहाँ दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताइए जल्दी। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में। तो अब तक हमने इंटरप्रिटेशन के टोटल 120 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।